सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। लास्ट कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन कार्सिनोमा, कैंसर पे चर्चा के लिए रिक्वेस्ट आई कि जैसे ना अलग अलग ऑर्गन्स पे अफेक्ट करता है तो उस हिसाब से उनका नाम पड़ जाता है। पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम लंग्स कैंसर, किसको लीवर कैंसर की दिक्कत है, कोई महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, तो ऐसे चर्चा करने को बोला, रिक्वेस्ट आई कि अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंसर पे बात करें और होम्योपैथी कहाँ मदद करती है इस पर चर्चा करें। एंड देयर वॉज अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू हैव अ टॉक ऑन मेटास्टेसिस, मेटास्टेटिक कैंसर क्या होता है। एक्चुअली आई ऑलरेडी हैव अ कपल ऑफ वीडियोज अपलोडेड जिसपे हम ना जनरल हमने डिस्कशन की है, वी हैव डिस्कस्ड टुगेदर ऑन कैंसर इन जनरल एंड पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर और उसकी होम्योपैथिक दवाओं उनकी उनका जिक्र किया है, राइट। तो आज ना विल कॉन्सेंट्रेट ऑन मेटास्टेसिस। लेट अस बिगिन दिस, लेट इट बी सीरीज ऑफ एपिसोड्स, यानी कि अलग अलग तरह के कैंसर की बात करेंगे। वील स्टार्ट अ सीरीज और जिसमें होम्योपैथिक दवाओं की चर्चा करेंगे कहाँ मदद करती है इन वेरी दिस क्रिटिकल एंड सीरियस कंडीशंस, राइट। मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, आइए थोड़ा समझें। देखिए, वी ऑल नो कैंसर व्हेन इट बिगिंस है ना, एक ऑर्गन को अफेक्ट करता है बॉडी में, लेकिन ऐसे कई बार केसेस देखे हैं जहाँ विद पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, समय के साथ साथ ये कैंसर के सेल्स ना ये स्प्रेड कर जाते हैं बॉडी में, फैल जाते हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों पे जाके अफेक्ट करते हैं, वहाँ ये स्प्रेड करते हैं। नो इन दैट केस जहाँ कैंसर सेल्स स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी एंड अफेक्ट वेरियस बॉडी पार्ट्स, ओरिजिन वही रहता है, अ सिंगल पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज देयर जहाँ वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो स्प्रेड करके वो फैल गया, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, दिस इज कॉल्ड मेटास्टेटिक कैंसर। एंड डॉक्टर्स कॉल इट के जैसे ना द कैंसर इज मेटास्टेसाइज्ड, राइट। दोस्तों मेटास्टैटिक कैंसर को ना फोर्थ स्टेज कैंसर भी कहते हैं, एडवांस्ड कैंसर स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका होता है। लेकिन इसमें भी ना फोर्थ स्टेज कैंसर्स और भी रहते हैं जो कि मेटास्टैटिक ना हो। फॉर एग्जांपल कोई लार्ज ट्यूमर है, कैंसर बहुत लार्ज साइज में है, वो भी फोर्थ स्टेज माना जाएगा, वो भी एडवांस्ड स्टेज जाएगा, लेकिन वो एक ही जगह स्थित है ना, इट इज सिचुएटेड इन अ वेरी सिंगल प्लेस जहां वो स्टार्ट हुआ, जहां उसने ऑर्गन को अफेक्ट किया, इट हैज नॉट स्प्रेड ऑल ओवर, तो वो मेटास्टेटिक नहीं है, लेकिन वो फिर भी फोर्थ स्टेज है, एडवांस्ड कैंसर माना जाएगा, राइट। अच्छा, मेटास्टेटिक कैंसर डेवलप कैसे होता है ये समझे, हाउ डज इट डेवलप, ये स्टार्ट कैसे होता है। देखिए क्या होता है कि कैंसर जैसे ट्यूमर कह लें जो मेलिग्नेंट है, ये एक जगह इट हैज बिगन है ना, वो स्टार्ट हो गया, एक ऑर्गन को अफेक्ट किया उसने, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम समय के साथ क्या होता है, कुछ सेल्स जो कैंसर के सेल्स है ना वो वहां से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, दे विल एंटर द ब्लड स्ट्रीम और द लिम्फेटिक सिस्टम, और वो ब्लड क्या है उसे पूरी बॉडी में ट्रेवल करना है, तो ये कैंसर के सेल्स उसके साथ ट्रेवल करते हैं एंड दे विल गेट अटैच्ड टू सम अदर ऑर्गन, कहीं और जाके वो वहां वो जुड़ जाएंगे किसी ऑर्गन के साथ, वहां ट्यूमर सेल्स वहां मल्टीप्लाई शुरू हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, वहां दे विल सेटल एंड दे विल ग्रो। तो इस तरह वो कैंसर जो सिंपल था वो अब मेटास्टेटिक कैंसर का रूप ले लेता है। नॉर्मली दिस इज द वे हाउ दे डेवलप। और हाँ, सेकंड एक और तरीका रहता है, फॉर एग्जांपल अगर एब्डोमिनल या बेली में कैंसर है कहीं, राइट, तो वो क्या होता है कि जरूरी नहीं थ्रू वाया ब्लड स्ट्रीम ही स्प्रेड हो, दे कैन गेट डिटैच्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल प्लेस, वहां से टूट कर किसी और इंटरनल नियर बाय ऑर्गन के साथ अटैच हो जाएंगे, मे बी लिवर, मे बी लंग्स, मे बी किडनी, तो वो भी स्प्रेड हो गया ना, वो भी मेटास्टैटिक रहेगा, नॉट वाया ब्लड स्ट्रीम अदरवाइज, ठीक है। तो मेटास्टैटिक कैंसर की ना नॉमनक्लेचर देखिए, थोड़ा समझें नेमिंग कैसे रहती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर किसी महिला को ब्रेस्ट का कैंसर है, ठीक है, तो उसको ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे, लेकिन अगर वो मेटास्टैटिक रूप धारण कर ले, अगर वो इट गेट्स स्प्रेड टू अदर ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल अगर लिवर पे स्प्रेड कर गया तो उसको लिवर कैंसर नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। दोस्तों मेटास्टेटिक कैंसर के एक बात तो पक्की है, देखिए इट इज अ फोर्थ स्टेज है ना, एडवांस्ड स्टेज है, स्प्रेड हो गया, अब हम ये बात समझ चुके हैं। तो ट्रीटमेंट में भी ना आई वुड से देखिए बहुत कम ऐसे केसेस रहते हैं वेयर इट कैन बी क्योर्ड, लेकिन मोस्ट कॉमनली केसेस में ट्रीटमेंट डज नॉट क्योर द कैंसर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, इसमें हमने ट्रीटमेंट में हमारी कोशिश क्या रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो स्प्रेड हो रहा है ना वो धीमा हो, द स्पीड विद इट इट्स स्प्रेडिंग ओवर,
तो उसको स्लो करना है, वो धीमा हो और पेशेंट के जो सिम्टम्स है ना उसको थोड़ा उसमें आराम रहे। इससे क्या होगा, द पेशेंट माइट लिव स्टिल अ लॉन्गर फॉर मंथ्स और परहैप्स ईयर्स टुगेदर, कुछ समय तक उसको और जीवित रखा जा सकता है फॉर महीनों तक या सालों तक भी। तो होम्योपैथी जहाँ कहाँ मदद करती है दोस्तों, द अंडरलाइंग एम इज टू हैव एन इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये सब भी दोस्तों माने कि ये ना निर्भर करता है कि किस तरह का कैंसर है, कहाँ लोकेटेड है, कितना स्प्रेड हो चुका है और किस स्पीड से ये ग्रो कर रहा है। इज इट्स ग्रोइंग स्पीडली, बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है या स्लो ग्रो कर रहा है, कितना वो डैमेज कर चुका है, इन सब फैक्टर्स पे निर्भर करता है द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। दोस्तों ट्रीटमेंट से पहले ना थोड़े जनरल सिम्टम्स, साधारण से जो लक्षण रहते हैं सामने उभर के दिखने में आते हैं वो समझें। सिंपल 4 से 5 जनरल सिम्टम्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फटीग रहेगी, पहले तो थकान रहेगी, जरूरत से ज्यादा थकान, बिना किसी एक्सर्शन किए थकान, थकावट रहनी, फटीग वी कॉल, राइट। फिर देन सेकेंडली अनइंटेंशनल वेट लॉस इज देयर, ना चाहते हुए भी वजन कम हो रहा है। अच्छा, दर्द का फैक्टर तो रहता है, पेन इज ऑलवेज देयर। मेटास्टेटिक कैंसर में पेन बहुत सिवियर रहती है, अगेन डिपेंड्स अपॉन द पार्ट दैट इज अफेक्टेड, वहां दर्द रहेगा, राइट। एंड देन सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया के सिम्टम्स रहते रहते हैं। दीज आर सम ऑफ द जनरल सिम्टम्स। आइए कुछ ना स्पेसिफिक सिम्टम्स भी समझें। ऑब्वियसली दोस्तों स्पेसिफिक सिम्टम्स में इट डिपेंड्स ऑन द पार्ट दैट इज अफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर कैंसर हड्डियों में जा चुका है, बोन्स तक स्प्रेड हो चुका है, तो पेन का फैक्टर हड्डियों में दर्द जो रहता है, दैट इज अ वेरी पेक्यूलर सिम्टम। और फिर द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स इंक्रीज हो जाते हैं, हड्डी का टूटना, जल्दी टूटना, वो बहुत कॉमन होता है, राइट। अच्छा, अगर ब्रेन में स्प्रेड हो गया कैंसर तो उसमें भी ना डिजीनेस रहेगी, हल्के हल्के चक्कर रहेंगे, हेडेक रहेगा, अनयूजुअली हेडेक, सर में बहुत भारी भयंकर किस्म का दर्द रहेगा, सीजर्स भी देखने में आते हैं। और अगर लंग्स को अफेक्ट किया है, मेटास्टेटिक कैंसर लंग्स का है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है ना, डिस्निया, सांस लेने में दिक्कत रहेगी पेशेंट को, ऑब्वियसली तो ब्रीदिंग एपरेटस इज अफेक्टेड है ना। एंड लिवर में भी वो स्प्रेड हो गया, अगर मेटास्टेटिक कैंसर लिवर का रहता है, अगेन स्पेसिफिक टू दैट ऑर्गन, तो उसके साथ जुड़े हुए सिम्टम्स रहेंगे, जॉन्डिस देखने में आता है, पीलिए के सिम्टम रहेंगे, राइट। एंड एब्डोमिनल स्वेलिंग भी आ जाती है, जैसे पेट में सूजन बिकॉज ऑफ दैट। आइए ट्रीटमेंट की बात करते हैं, या मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपके सामने, रखूंगा बहुत महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाएं, चुनिंदा दवाएं हैं दोस्तों, लेकिन हाँ अगेन कीप इन माइंड कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना पेशेंट की, इवन विद इन ए पेशेंट विद मेटास्टेटिक कैंसर। होम्योपैथी ट्रीट सेफली एंड श्योरली दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रामबाण दवा जिसका नाम है कार्सिनोसिन, इसका जिक्र पहले हो चुका है वैसे, लेकिन हाँ यहाँ मैं जरूर मेंशन करूँगा इनकी जो मेटास्टेटिक कैंसर। देखिए ये जो कैंसर की पेशेंट्स रहते हैं ना, इनमें कार्सिनोसिन कहाँ काम करेगी, इट एक्ट्स वेरी फेवरेबली इन पर्टिकुलर केसेस, जाना देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ कार्सिनोमा परिवार में, जैसे फैमिली हिस्ट्री में परिवार में पहले किसी को कैंसर की दिक्कत रही है, और अब एग्जिस्टिंग पेशेंट में भी वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, कार्सिनोसिन वहां जरूर दीजिएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रेस्ट का कैंसर है महिला में, तो उसमें क्या रहेगा, देयर विल बी पेन का फैक्टर रहेगा, इंड्यूरेशन दिखती है दोस्तों, फील होते हैं जो हार्ड हार्ड ग्लैंड्स के अंदर ना, हार्ड हार्ड जैसे सख्त सख्त फील होता है, ट्यूमर हाथ लगाने से फील होता है, वहां कार्सिनोसिन काम करती है। ऐसे यूट्रस में अगर कैंसर रहता है, हीमरेज रहेगा, ब्लड फ्लो रहेगा, जरूरत से ज्यादा रहेगा, दर्द का फैक्टर रहता है, एब्डोमिनल पेन बहुत सिवियर रहता है, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस साथ रहते हैं, कार्सिनोसिन वहां भी देंगे, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस, पेशेंट टू पेशेंट, डोजेज एंड पोटेंसी वेरीज, लेकिन हाँ 30 cc लेके 200 cc हम दे सकते हैं, रात को सोते समय दें, एंड वी नीड नॉट रिपीट इट वेरी फ्रीक्वेंटली। वेल फ्रेंड्स, दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल मेडिसिन, दैट इज एब्रोटैनम। एब्रोटैनम एक्चुअली किसी तरह का मेटास्टेटिक कैंसर रहेगा तो एब्रोटैनम इज एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर दैट। इसमें भी ना पेशेंट को जैसे एब्डोमिनल की बात करें, सिम्टम्स रह रहे हैं तो डिस्टेंशन रहेगी, बेली में दर्द रहेगा, गैस बहुत बनती है पेट में, बेली में, इंटेस्टाइन्स में जाके एब्रोटैनम हेल्प्स देयर एज वेल। एसोसिएट सिम्टम्स के देख लिया करें, फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट को भूख अच्छी लगती है लेकिन वो बहुत लीन है, दुबला पतला है, जैसे स्टार्व्ड है,
जैसे काफी देर से कुछ खाया ना हो बंदे का, जो हाल रहता है ना शरीर उस तरह का दुबला पतला रहता है, दैट इज अ पर्टिकुलर एब्रोटैनम पेशेंट, वहां हम दे सकते हैं बिकॉज ऑफ द मेटास्टैटिक कैंसर जो सिम्टम्स उभर के आते हैं, एब्रोटैनम वर्क्स वेरी वेल, 30C 200C हम वहां भी दे सकते हैं। दोस्तों ये दो तो थी बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं, उसके अलावा जैसे कोनियम का बहुत अच्छा स्पेशल रोल रहता है इन मेटास्टैटिक कैंसर्स एज वेल। एस्टीरियास इज अनदर रेमेडी, फाइटोलैक का बहुत अच्छी रेमेडी है डिपेंडिंग ऑन द केस सिम्टम्स के आधार पे। बूफो हैज अनदर रोल टू प्ले इन मेटास्टैटिक कैंसर। तो ये दवाएं रहती हैं होम्योपैथी में दोस्तों, जरूर आए बिना किसी साइड इफेक्ट के, डू अप्रोच होम्योपैथी, एड दीज मेडिसिन टू योर एग्जिस्टिंग प्रिस्क्रिप्शन। याद रखें मेटास्टैटिक कैंसर इज अ डिफिकल्ट केस, इट्स अ क्रिटिकल केस, इट्स अ सीरियस कंडीशन। तो अपना केस फिजिशियन के साथ डिस्कस करें, वी शुड ट्राई वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ पेशेंट ऑफ मेटास्टैटिक कैंसर। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। एनी स्पेशल कमेंट्स टू मैंशन, कोई सुझाव देने हैं, कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है फॉर एन पर्टिकुलर वीडियोज, जुड़े रहें गुरु नानक केस के साथ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।